प्रतीक प्रभु, थैंक यू शिव गोपाल प्रभु। आज फादर्स डे है, तो आज सुबह पे आपने देख रहे होंगे व्हाट्सएप पे हर जगह पे हैप्पी फादर्स डे मैसेज आ रहे हैं। तो इस अवसर पर हम भगवद गीता से कुछ पढ़ने के प्रयास करेंगे फादर्स डे के अवसर पर। एक सुंदर सा श्लोक है, नौवा अध्याय में 17वां श्लोक। आई विल प्रोजेक्ट इट ऑन द स्क्रीन एंड मुझे एक वॉलंटियर चाहिए जो उसको पढ़ सके। तो शिव गोपाल प्रभु यू असाइन द वॉलंटियर्स, स्क्रीन में शेयर करूंगा हिंदी में पढ़ने के लिए। Somebody can help you, you can read Hindi, can read it without any issues too. ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है, शिव गोपाल प्रभु म्यूट पे प्रभु जी। शुभम प्रभु जी, क्वाइट गुड इन रीडिंग संस्कृत प्रभु जी। या नॉट योर संस्कृत, हिंदी प्रभु जी, वो वी विल नॉट रीड संस्कृत। यस यस, हिंदी प्रभु जी। ठीक है, तो ये श्लोक प्रभु जी और प्रतीक प्रभु जी काफी अच्छे से रीड करते हैं। ठीक है, एंड यू आल्सो प्रभु, यू हैव सम टीनेज बॉयज एंड गर्ल्स आल्सो, एनीबॉडी हु इज गुड और एनीबॉडी हु वांट्स टू रीड, यू कैन एनकरेज देम आल्सो, एनीबॉडी वांट्स टू डू सम दैट। Shubhankar, would you like to read the shloka? What meanings? Translation, purport, Prabhu? Yes, Prabhu ji. Yeah. Shloka padho. Ah, yes, Prabhu. Pita. पीताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्षां यजुरेव च। मीनिंग पिता अहम मैं यस्य इस जगत ब्रह्मांड का माता धाता आश्रय दाता पितामह बाबा वेद्यम जानने योग्य पवित्रम शुद्ध करने वाला ओंकार श्रीकु ऋग्वेद शाम सामवेद यजुर्वेद एव निश्चय ही च तथा। ट्रांसलेशन, मैं इस ब्रह्मांड का माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। प्रभु जी तात्पर्य भी पढ़ना है। हाँ जी जी, तात्पर्य, सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्य कलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ सृष्टा है। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु इनके सृष्टा दादी तथा दादा कृष्ण है। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है, अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही हैं। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश अतः कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द जिसे प्रणव कहा जाता है एक दिव्य ध्वनि कंपन है और यह कृष्ण भी है, क्योंकि चारों वेदों ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओंकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। कंप्लीट प्रूफ। Yes, yes.
ठीक है, धन्यवाद प्रभु। सो ओके, बहुत सुंदर श्लोक है। सो चर्चा करेंगे इस श्लोक के ऊपर। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं पिता हम अस्ति जगत, कितना सुंदर शब्द है। देखिए कृष्ण हमारे पिता हैं, ये भगवान ने इतना खोल के और इतना खुला कह दिया भगवत गीता। कहीं पे भी भगवान को ये नहीं लग रहा कि क्या मैं कह सकूं ये शब्द नहीं है। पिता हम अस्ति, मैं इस जगत के पिता हूं। माता धाता पितामह, सिर्फ पिता ही नहीं हूं। देखिए अभी ये कौन सा सेक्शन में आ रहा है, अभी गीता का श्लोक पढ़ रहे हैं तो ये आ रहा है नाइन्थ चैप्टर में। और नाइन्थ चैप्टर हमने लास्ट टाइम अगर पूरा मैप हमने गीता का निकाला था, तो एक मिनट मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ, सो दैट जब कोई भी किसी भी श्लोक पढ़ रहे हैं भगवद गीता में से, ये हमेशा हेल्प होगा कि भाई किस चैप्टर में क्या चल रहा है वहां पे। 18 अध्याय एक बार मैप बनाया था माध्यम से देखेंगे लास्ट में, तो ये क्लियर रहेगा कि किस चैप्टर में किस कॉन्टेक्स्ट में भगवान ये हमसे कह रहे हैं। ये देखिए यहां पे, तो जैसे हमने कहा कि हमेशा कोई भी गीता श्लोक जब पढ़ते हैं ये देख लेना चाहिए कि गीता के फ्लो में, जैसे हम कहा कि पूरा फ्लो चल रहा है भगवद गीता का, उस फ्लो में कहाँ पे, तो नाइन्थ चैप्टर का फ्लो क्या है। आठवां अध्याय हम भगवान से पूछते हैं कि प्रभु आपकी भक्ति करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, से हमें मिलेगा क्या। तो भगवान कहते हैं भगवत प्राप्ति, अटेनिंग द सुप्रीम, मैं खुद मिलूंगा। ठीक है, अच्छी बात है कि प्रभु आप मिलेंगे तो इससे बढ़कर क्या है, लेकिन हमारी श्रद्धा जो है अभी इतना मजबूत नहीं है। मानते हैं हाँ कृष्ण है, भगवान है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन इतनी श्रद्धा हुई नहीं है। तो कुछ टिप्स दे दिए, तो नाइन्थ चैप्टर भगवान बहुत कॉन्फिडेंशियल, बहुत सीक्रेट टिप्स देते हैं। परम गुह्य ज्ञान नाइन्थ चैप्टर का है। ये ज्ञान इसलिए भगवान देते हैं सो दैट कि हम अपनी भक्ति में हम दृढ़ बन सके। तो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच वी आर रीडिंग दिस। कृष्ण इज गिविंग सीक्रेट्स इन दिस चैप्टर की भाई मेरी तरफ आना है तुमको, अल्टीमेटली मेरी तरफ ही आना है, लेकिन उसको आने के लिए तुमको यू विल ऑल्सो नीड टू नो क्यों आना चाहिए आपके प्रति, आपकी भक्ति क्यों करनी चाहिए। अगर आपके बारे में कुछ हमको पता चले, ऐसी बातों की पता चले, तो फिर शायद हम दृढ़ता से आपकी तरफ आ पाएंगे, आपकी तरफ मुड़ पाएंगे। तो वो जो कॉन्फिडेंशियल टिप्स है दैट कृष्ण गिव्स इन नाइन्थ चैप्टर, ये कॉन्टेक्स्ट है। हमेशा इस ये छोटा सा मैप लेके चलिए भगवद गीता, कोई भी श्लोक पढ़ते हैं तो इफ यू नो दिस वेयर आर यू इन द फ्लो ऑफ द भगवद गीता, इट्स ऑलवेज ईजी टू अंडरस्टैंड। नहीं तो लगे पता नहीं, नाइन्थ चैप्टर इस कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो वापस हम चलते हैं हमारे श्लोक के पास। तो इस अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, बेसिकली टिप्स दे रहे हैं भगवान की हमारी भक्ति क्यों करनी चाहिए, हम है कौन। तो वहां पे एक सुंदर से भगवान कहते हैं मैं इस जगत के पिता हूं। जगत में जितने भी लोग भगवान ने कह दिए स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हम पिता हैं। देखिए आज तक हमको झिझक होती है ये कहने के लिए कृष्ण हमारे पिता है, कितने लोग ये क्लियर इतना स्ट्रेट बोल पाएंगे कि भगवान हमारे पिता है। ये कहते हैं कि फलाना व्यक्ति हमारे पिता है वो सही में, लेकिन कृष्ण सालों पर इटरनेटिक कृष्ण ऑलरेडी भगवान ने क्लेम कर दिया भाई जितने भी जीव जंतु हैं मैं उनका पिता हूं। नोट कर लीजिए, विषमता हमारी तरफ, विषमता जीव की तरफ से ये कहने के लिए कृष्ण आप हमारे पिता हो, भगवान की तरफ से कोई विषमता नहीं। उन्होंने कह दिया कब से, लिख दीजिए, उन्होंने कहा लिख दो, छाप दीजिए कि भाई जितने भी जीव हैं सभी मेरे संतान है, कोई बात नहीं आप लिख दीजिए, भले वो नहीं मानते दूसरी बात। अच्छा आप सिर्फ पिता हो, भगवान कहते नहीं भाई ऐसी बात नहीं, हम माता भी हैं, क्योंकि पिता और ओनली माता न, भगवान कहते मैं पिता, हम ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं। इन दिस सेंस कि एक पिता से एक हमको जो प्रेम मिलता है वो अलग है, माता से जो मिलता है वो अलग है, और
ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है, दादा दादी से, नाना नानी से, वो अलग चीज है। तीनों का अलग अलग टाइप के प्रेम है। भगवान कहते हैं मैं सबको दे सकता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ पिता का प्रेम दे सकता हूँ। जनरली पिता होते हैं थोड़ा जनरली ही स्ट्रिक्ट, कड़क रहते हैं व्यवहार में, क्योंकि उनको डिसिप्लिन से बच्चे को बड़ा कर रहे हैं। माँ जो है शी इज लविंग, सबसे ज्यादा प्रेम बताती है माँ। और ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से कैसे लेता है, ग्रैंड पेरेंट्स के लव जनरली बिगाड़ने वाला रहता है। आपको सर्दी भी हो गई फिर भी अगर वो आइसक्रीम खिलाएंगे आपको, तो भगवान कह रहे तीनों को प्रेम, आप प्रेम मैं आपको दे सकता हूं। तो यहां पे हम देखेंगे पिता के रोल में, जनरली पिता क्या करते हैं, प्रोटेक्शन इज द बिगेस्ट थिंग ए फादर विल, रक्षा जो करते हैं वो भगवान पिता ही करते हैं। तो हम देखते हैं कि शास्त्र में डेफिनेटली जब खुद के पिता भी उसके अगेंस्ट हो गए थे प्रहलाद महाराज को, इन्होंने बताया भगवान कृष्ण भगवान ने स्वयं बचाए हैं। क्योंकि खास करके क्या होता है, एक बच्चे को पैदा करने में एक कोई ऐसे कह सकता है कि भाई पिता का काम तो बहुत कम था, पिता वीर दे दिए उसके बाद, वीर के कंठ दे दिए उसके पास, तो उनका क्या रोल है। उसके बाद तो 9 महीने जो है माँ ही उसको अपने घर में धारण करती है। तो इन वन सेंस वन कैन से गॉड इज वेरी अलूफ, बहुत डिस्टेंट है, ही इज नॉट मच इन टच विद द चाइल्ड, वन कैन से दैट। पिताजी का रोल बहुत ज्यादा नहीं है, वेरी डिस्टेंट है। बिकॉज एक बच्चे की जन्म देने में सबसे इजी कौन, किसको एक फादर को इजी है, माँ को जो है 9 महीने उसको घर धारण करके इतनी कठिनाई उठा के फाइनली बच्चे को डिलीवर करती है। इसलिए होगा उन कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है भैया कि हम सिर्फ पिता हैं, हम दूर हैं, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है कि जीव के एक्चुअली इस दुनिया में आने पर। कहते नहीं, मैं माता भी हूं, पिता हम अस्त जगह तो माता। और माता का जिस शब्द भगवान यहाँ पे यूज करते हैं, ये बहुत सुंदर शब्द है। और माता का इसमें वो थोड़ा हम चर्चा कर सकते हैं। देखिए एक मान लो कि मैं एक बिल्डर हूं, अगर मुझे बिल्डिंग घर घर बनाना है तो क्या करते हैं जनरली, आप मार्केट से जितने भी सामान है खरीदते हैं, ईंट खरीदोगे, सीमेंट खरीदोगे, रेती खरीदोगे, फिर स्टील है, आयरन है, लोखंड है, सभी चीजें इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद बिल्डिंग बांधते हैं, और मान लो कि बिल्डिंग किसको मुझे बेचना है, तो मान लो वो बिल्डिंग मैंने बेच के उसके चला गया, जैसे वॉक अवे 10 लाख की हमने घर बांध दिया है, और किसको दे दी भाई ये 10 लाख में घर बन दिया, आप ले लीजिए 15 लाख में, हमको पैसे दीजिए, हम चले। उसके बाद मुझे उस घर से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे माँ क्रिएट करती है वो टोटली डिफरेंट है। उस माँ के क्रिएशन कैसे समझने का प्रयास करिए, वो अपने शरीर से इस बच्चे को क्रिएट करती है। आप देखे ना, उसके शरीर के अंदर से ही जो खून बन रहा है बच्चे का, ऐसे हम लोग लेके थे लास्ट क्लास में, उसके पहले वाले क्लास में, सॉरी लास्ट क्लास में, जीव जो है माँ के गर्भ में, फिर कैसे वो 7 दिन में कैसे होता है, 9 महीने में कैसे होता है, सॉरी 7 महीने में, 8 महीने में, अलग अलग स्टेजेस में, तो वहां पे देखा कि वो माँ के ऊपर कैसे निर्भर है। तो उसके शरीर जो बन रहा है, उसके चरम जो बन रहे हैं, सभी कहां से बन रहे हैं, वो माँ के शरीर से ही बन रहा है। लिटरली मतलब क्या, माँ अपने शरीर के एक टुकड़ा ही निकाल के उस टुकड़े से उस बच्चे को बनाती है। Could you please record the lecture? Yes, true. 1 second. ठीक। तो इस तरह जो माँ का क्रिएशनल प्रोसेस है बहुत अलग से है, ध्यान से सोचिए। अपने शरीर से ही माँ बच्चे को क्रिएट करती है, अपने खून से और अपने चरम से। इस तरह मतलब बच्चा जो है लिटरली उस माँ का अंश ही है,
और अम्बिलिकल कॉर्ड से उसको टाइट बांध, उसको दोनों से एक अम्बिलिकल कॉर्ड बनकर बाउंड टुगेदर। तो भगवान जब कहते हैं मैं इस सृष्टि का माता हूं, भगवान इस तरह कहते जैसे एक माँ के माँ और बच्चे भी इतना उसके शरीर से वो बच्चा बनता है, इसी से भगवान कहते हैं मेरे शरीर से तुम बने हो। ममई वंशो जीव लोक के जीव भूत सनातन, भगवान कहते हैं ये जो जितने भी अंश है जीव में, जितने भी लोक में, जितने भी जीवात्म मेरे अंश है, भगवान कहते हैं मेरे बच्चे हैं। मतलब लिटरली भगवान कह रहे हैं जैसे एक माँ के शरीर से बच्चा बनता है, ये तुम जितने भी जीव जंतु है मेरे ही अंश है, मतलब हम भगवान से उतना हमारा घनिष्ठ संबंध है। जैसे वो गर्भ में जो है बच्चा जो उसके माँ के साथ घनिष्ठ संबंध है, इसी तरह हमारा भी जो है हमारे माता जो कृष्ण भगवान है इतना घनिष्ठ संबंध है। क्यों? उस एक एक गर्भ में जो बच्चा है उसके माँ के साथ घनिष्ठ संबंध है क्योंकि वो उसका पूरा एग्जिस्टेंस ही माँ के शरीर से ही हो रहा है। अगर वो माँ नहीं रहती तो वो बच्चा ही कैन नॉट एग्जिस्ट, उसके शरीर में तो रह रहा है। अगर माँ ही नहीं रहती तो बच्चा कैसे रहेगा? इसी तरह भगवान कहते हैं अरे मैं नहीं रहूंगा तो तुम कैसे रहोगे? यू कैन नॉट इवन एग्जिस्ट। भगवान कहते हैं मतलब तुम्हारा डिपेंडेंसी मेरे ऊपर इतना है कि मैं नहीं रहता तो तुम यू कैन नॉट इवन एग्जिस्ट। इन दैट वे कृष्ण इज मेकिंग ए डीप पॉइंट इन द सेंस की पिताहमस्य जगतो माता, मैं इस सृष्टि का माता भी हूं। ठीक है, चलिए आप पिता समझ गए, भगवान कहते हैं माता। अगर कोई कहे ठीक है आप पिता भी है माता भी है, लेकिन ग्रैंड पेरेंट जो है दादा दादी नाना नानी, ये इनका प्रेम तो अलग ही रहता है। ये क्या कर, जनरली ग्रैंड पेरेंट्स का प्रेम जो रहता है थोड़ा बिगाड़ने वाला रहता है। अगर माँ बोलती है बच्चे को आज तुम्हें सर्दी हो गई आइसक्रीम मत खाना, वो बच्चा जाके अपने दादा से कहता है कि हमें आइसक्रीम खाना है, तो बहू बोलती है कि पिताजी उसको आइसक्रीम मत खिलाइए उसको गला ठीक नहीं है बुखार आएगा, लेकिन वो बच्चा बोलते नहीं दादाजी हमको आइसक्रीम खाना है। तो फाइनली क्या करेंगे दादाजी, ठीक है कोई बात नहीं खाने दीजिए, हम दिलाएंगे उसको आइसक्रीम, उसको लेके जाएंगे दुकान पे 10 रुपए वाला आइसक्रीम दिलाएंगे। तो ठीक है अच्छा बच्चा ही तो है आइसक्रीम नहीं खाएगा तो क्या करेगा, जो होगा देखा जाएगा। मतलब थोड़ा बच्चे को बिगाड़ते हैं मैं ग्रैंड पेरेंट्स। इसी तरह भगवान कहते हैं मैं भी तुमको बिगाड़ सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। कैसे आप बिगाड़ सकते हो प्रभु? दे सकता हूँ जैसे आइसक्रीम चाहिए टॉफी चाहिए तुम्हें खिलौना चाहिए भगवान, मैं भी ऐसे दे सकता हूँ कोई बात नहीं, तुमको आइसक्रीम चाहिए कितना चाहिए आइसक्रीम वो भी खिला सकता हूँ। ऐसे भगवान ने किसको दिए हैं? हिरण्यकशिपु को भगवान ऐसे दिए, वो चाहते थे कि हमको ऐसे चाहिए, हमको पूरा संपूर्ण सृष्टि का राजा बनना है, भगवान ने कहा कोई बात नहीं आप बनिए। तो इस तरह भगवान कहते हैं दाता पिता माँ के ग्रैंड पेरेंट्स कुछ बिगाड़ भी सकते, भगवान कहते हैं मैं तुमको बिगाड़ भी सकता हूँ इस तरह से। दैट लव ऑल्सो कृष्णा कैन गिव अस। तो यहां पे एक बात क्या है, जितने भी यहां पे पेरेंट्स हैं जिनके भी बच्चे हैं, एक यहां पे बात हम सीख सकते हैं कि ये बात समझना आवश्यक है कि हमारे बच्चे ही नहीं है। भगवान क्लियर कट आकर मान लो कि आपको कोई बच्चा है, मगर मान लो मेरी बड़ी बेटी है कृति, तो मैं वो लिखती है अपने फॉर्म में लिखती है पिता का नाम विजय गोपी केशव, माता का नाम परमेश्वरी, लेकिन भगवान कह नहीं पिता का नाम श्री कृष्ण माता का नाम श्री कृष्ण, भगवान कह रहे अरे मेरा नाम लिखिए, ये कैसे दिक्कत हो? भगवान कहते हैं गीता में तो कहते हैं मैं सबका पिता हूं, तो उसको लिखना चाहिए श्री कृष्ण, लेकिन उसको ये भी लिखना चाहिए कि विजय गोपी केशव भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हम टेम्पररी माता पिता हैं, लेकिन अंततः उसको जो परमानेंट सदा के इंटरनल माँ बाप कृष्ण ही है। इसलिए जैसे पेरेंट्स होने के नाते माँ बाप होने के लिए हमारे प्राइम कर्तव्य ये कि हम अपने बच्चों को उनके जो इटरनल उनके सदा के लिए जो उनके माँ बाप हैं उससे जोड़ना, उस बच्चे को हमारा सबसे बड़ा
जवाबदारी है. कनेक्टिंग अवर चिल्ड्रन टू देयर इटर्नल फादर इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड कनेक्टिंग आवर सेल्फ विद, हमको भी हमारे पिताजी से, यस माँ बाप से जुड़ना चाहिए. जिस घर में रहते हैं माँ बाप ने बहुत कुछ हमारे लिए किए हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी सुननी चाहिए डेफिनेटली. बट एट द सेम टाइम हमारे परम पिता को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं, अरे मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, तुमने हमारे तुम्हारे जो माँ बाप है वो उनको ही माँ बाप कह के फिर मुझे क्यों भूल रहे हो. जैसे वो भी तुमको कुछ दे रहे हैं, मैं भी तुमको कुछ दे रहा हूं. तो क्या है भगवान 15 अध्याय बताते हैं, क्योंकि क्या है, एक बात सोचना चाहिए कि जब बच्चे हम बच्चे अगर खास दिन के भी हैं, सोचना चाहिए कि हम बच्चे को सदा के लिए प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं. जब तक हमारे घर में हमारे पास में, हाँ उसकी देखभाल कर सकते हो, भैया लड़का है कितने टाइम पे घर पे आ रहा है, कौन सी टीवी पे क्या देख रहा है, कहीं तो उल्टा सस्ता रास्ता नहीं है, स्कूल बैग खोल के देख पाओगे आप, उसके फ्रेंड्स को नहीं देख पाओगे, फोन करके पूछेंगे कहाँ हो, लेकिन कब तक करोगे ये चीज. उसको एडमिशन हो गया, अभी मैं पुणे, मेरी बेटी का एडमिशन, अभी मेरी बेटी अमेरिका पढ़ रही है, छोटी वाली बेटी, अभी अमेरिका इतना दूर है, आप मुझे कुछ आप जाने के लिए 24 घंटे तो प्लेन के लिए लगते हैं, और इस कोरोना सिचुएशन में अभी प्लेन जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता. अभी मुझे बताइए, मेरी बेटी को कुछ हो गया वहां पे, आपत्ति आ गई, शारीरिक मानसिक कुछ भी हो, उसके लाइफ में कुछ डेंजर है, वो गाड़ी नहीं चलाती है, वो कैब प्राइवेट कैब ओला कैब करके वो कॉलेज जाती है और घर पे जाती है. मान लो कि जिस ओला कैब में बैठी है उस व्यक्ति के गलत इंटेंशन कुछ है, तो मुझे बताइए कौन उसका रक्षा करेगा. मैं तो बैठा यहां पे, मैं कुछ कर भी नहीं सकता. वो मुझे फोन भी करेगा कि पिताजी मैं बच्चा आइए, ये व्यक्ति दुष्ट आदमी है, हमारे ऊपर हमला करने वाले, तो हम क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अंत तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे, सिर्फ रोएंगे ना. लेकिन उसके हृदय में जो है, उसके पिता परम पिता कृष्ण भगवान है, वो कुछ कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं. ये सोचना चाहिए हमेशा, क्योंकि मैं देखता हूं कि अपने बच्चों को भगवान से जोड़ने में झिझकना नहीं चाहिए. काफी टाइम पेरेंट्स सोचते कि नहीं ज्यादा नहीं कनेक्ट करना चाहिए, फिर बच्चे फिर पढ़ाई में वीक हो जाते हैं. नहीं, पढ़ाई में वीक नहीं हो जाएंगे, पढ़ाई कर, लेकिन ये जो प्राइम ड्यूटी है एक जीव को, उसको परम पिता से जोड़ने के प्रयास भी एक टेम्पररी, हम टेम्पररी माँ बाप है, हमारे जो कर्तव्य हमको भूलना नहीं चाहिए. अपना घर से निकलने से पहले, जो लड़का हो कि लड़की, उसके पहले उसको उसका पिताजी पूर्ण, उसके परम पिताजी के साथ घनिष्ठ संबंध कर देना चाहिए, बांध देना चाहिए, फिर हम निश्चिंत रह सकते हैं. कितने बच्चे यहाँ पुणे में, जितने कॉलेजेस हैं, आते हैं दूर से दिले हुए बच्चे हैं, कभी भी माँ के अगेंस्ट एक शब्द नहीं बोला, पिताजी की तरफ आंख उठा के देखा भी नहीं है. लड़के यहाँ पे आते हैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में, उसके दोस्त उस रूम में रहते हैं, कोई कहता है चलो शराब पीते हैं, कोई कहता चलो सिगरेट पीते हैं, कोई कहता कुछ और करते हैं. अगर आपके लड़के शराब पी ले एक बार, कौन रोकेगा उसको कि शराब नहीं पीना चाहिए. आप तो सोच रहे हो भाई हमने फी, हमने अच्छी कॉलेज पुणे में नंबर वन कॉलेज है, वहीं पर एडमिशन दिला दिए, पैसे भी भर दिए, आपने सोचा कि बस हमारा कर्तव्य हो गया. माँ बाप खास कर सोचते हैं, अरे हमने बहुत मेहनत किया, पैसे उसको एडमिशन दिलवाया, पैसा कर दिए, बस इससे थोड़ी चलने वाला काम. अभी लड़का आपके शराब पीने अभी रेडी करने वाला है, वो शराब पी रहा है. अभी सबसे बड़ी समस्या जो है कॉलेज में, सभी जगह जितने भी कॉलेज हैं पूरे हिंदुस्तान में, ये ड्रग्स की बड़ी समस्या है. कोई उसे कहेगा देखो कल एग्जाम है तुम्हारी और वो कठिन सब्जेक्ट है, टेंशन हो रहा होगा, एक काम करते हैं थोड़ा ये ड्रग्स ले लो, एक सुट्टा ले लो तुम, फिर दिमाग एकदम शांत हो जाएगा, एग्जाम दे सकते. टफ सब्जेक्ट बहुत टफ है, वो भी तुम्हारा लड़का भी टेंशन में है, तो कौन रोकेगा उसको उस तरह की, भाई ये ड्रग नहीं लेनी चाहिए. आप विश्वास नहीं करो कितने ऐसे बच्चे हैं घर से दूर से दूल्हे में निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे जब प्रोटेक्शन कौन करेगा, घर में होता तो प्रोटेक्ट हो जाता, उसके माँ बाप खुद प्रोटेक्ट कर, लेकिन आप तो हो नहीं. इसी तरह से इसीलिए हमारे बच्चों को, या फिर लड़का हो लड़की हो, उसको कृष्ण से जुड़ना आवश्यक है.
कब तक हमारे पास रहेंगे? वो उसके दोस्तों के बीच में है, वो क्या अपने कॉलेज में है, हॉस्टल में है, लड़की है तो शादी करके चली जाएगी, उस वातावरण में उस लड़की इसको कौन प्रोटेक्शन देगा, मुझे बताइए। भक्ति बृहद भागवत महाराज एक बार एक सच्ची घटना कह रहे थे कि एक बार एक लड़की है YT कंपनी में काम करती थी, उसका जो बॉस था उसको लेके एक प्रोग्राम में आई थी, महाराज के प्रोग्राम में। और उस प्रोग्राम के बाद उस बॉस ने कहा कि महाराज मुझे आपसे थोड़े 5 मिनट अलग से बात करनी है, प्राइवेटली बात करनी है, महाराज के आइए बात करते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं। महाराज खैर बोलिए, ये जो लड़की है मेरे अंडर काम करती, मेरे नीचे काम करती है, और पिछले 1 साल से मैं प्रयास कर रहा हूं कि उसको कुछ ना कुछ गैर फायदा उठा के उसको हानि पहुंचाने का मैं प्रयास करूं। मेरे गलत इरादे थे इस लड़की के पीछे, लेकिन मैं 1 साल से प्रयास करूं लेकिन मेरा प्रयास हमेशा फेल रहा है। तो महाराज से पूछे उस बॉस ने, ऐसे क्या है, मैं गलत था लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आज पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो उस लड़की के पास है जो उसको इतने 1 साल से वो मेरे हाथ के नीचे काम करती है, मैं बॉस हूं, लड़की है। महाराज ने उनका कहा, देखो वो लड़की रोज 16 माल करके अपने घर से निकलती है, मतलब वो भगवान राधा रानी उसको बांध देती है, राधा रानी एक प्रोटेक्शन कवर जैसे बांध देती है लड़की के ऊपर, कि उसके अंदर तो कोई जा ही नहीं सकेगा, आप कितना भी कुछ भी कर लो। मतलब उस लड़की को उनके माँ बाप ने भगवान से जुड़ के इतनी बड़ी प्रोटेक्शन दे दिया कि वो लड़की कहीं पे भी हो, 1 साल से उसके बॉस पीछे पड़ा है, कितना बहुत कठिन नहीं है गलत फायदा उठाने में। लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं, कुछ भी करता था लेकिन कभी मैं सफल हो ही नहीं पाया। इस तरह देख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल उदाहरण महाराज बता रहे थे कि खास करके सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए 16 माला कर, लेकिन महाराज खास करके कह रहे थे कि जितने हमारी माताएं हैं, महाराज रिक्वेस्ट कर रहे थे कि घर से निकलने से पहले अगर आप किसी के पास काम करते हो, फिर वर्किंग प्रोफेशन, महाराज की कृपया 16 माला करके घर से निकलिए, राधा रानी की प्रोटेक्शन आपके साथ रहेगा। लेकिन हमारा जो डर क्या रहता है हमारे बच्चों को भगवान से जुड़ने में, हम ये सोचते हैं कि भाई अगर ज्यादा भक्ति कर लिए बच्चे ने, ज्यादा इस्कॉन चले गए, ज्यादा जप करने लगे, तो फिर ये भौतिक जीवन में ये फेल हो जाएगा। और ये भी हम सोचते हैं कि भाई भले इस्कॉन में है, लेकिन काफी लोग सोचते हैं कि भाई स्पिरिचुअल लाइफ आध्यात्मिक जीवन जो है वो सब बाद में करने वाली बात है, अभी तो तुम जवान हो, अभी तो लड़के 18 साल के, ये अभी ये थोड़ी कुछ उम्र है। लेकिन उम्र नहीं है मेरे भाई, अभी नहीं करोगे कृष्ण भगवान से, वो लड़का जाके कॉलेज में जो घुस जाएगा, इतनी सारी आपत्ति है, पुनः आके देखिए एक ही कॉलेज में इतना प्रलोभन है, इतना कॉलेज के बाहर ड्रग मिलते हैं, शराब है, विचार है, इस सब के बीच में से अगर आपका लड़का फंस गया। एक कोटा राजस्थान की कहानी बताता हूं क्योंकि मैं कॉलेज में प्रचार करता हूं। वहां पे एक दिल्ली के माँ बाप थे, कोटा राजस्थान भेज दिए 1 साल के लिए ट्रेनिंग देके, भाई आप 12th के पास 1 साल ट्रेनिंग लीजिए, कोटा राजस्थान में IIT में एंट्रेंस लेने के लिए वहां पे आप एडमिशन लीजिए। तो कोटा में सबसे बड़ा कॉलेज जो है, एडमिशन दिलवा दिए। उसके बाद क्या हुआ, एडमिशन तो उसको हुआ नहीं है, और वो आ गया पूना। पूना में भी एकदम थर्ड क्लास कॉलेज में उसका एडमिशन मिल गया। एक बार उसको फोन आया कि प्रभु जी मुझे बहुत बड़ी दिक्कत में हूं, आपके हेल्प चाहिए। अरे बताइए क्या करना है। वो कहता है, हमारे माँ बाप तुमको कोटा भेज दिए, लेकिन हम जिस रूम में जिस पार्टनर के साथ रहते थे उसको गंदी तस्वीरें देखने की आदत थी इंटरनेट पे, उसने हमको भी आदत लगवा दिया। होते होते कोटा में हम रहे 1 साल प्रभु, लेकिन हमने कभी पढ़ाई की नहीं,
या तो हमारे आईआईटी में नंबर लगाए नहीं है, फिर पुणे में एक छोटी सी कॉलेज में माँ बाप एडमिशन लिए, अभी पहला सेमेस्टर है मेरा, अभी कल परसों कल दो दिन में पहला सेमेस्टर का एग्जाम है, लेकिन प्रभु मैं बैठता हूँ दो महीने पढ़ाई करने लगता हूँ, उसमें पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है मुझे कभी। मेरा मंत्र यही है कि बस वृद्ध आके वही चीजें मैं देखूं। अभी मुझे बताइए, अगर पढ़ाई में नहीं करूंगा, अभी इसमें भी फोन फेल हो जाऊंगा तो मैं कहाँ के रहूंगा, मैं क्या करना चाहिए। मैंने सुना है आप इस्कॉन वाले लोग हो, आप यूथ को ट्रेनिंग देते हैं, मुझे कुछ बचाइए, कुछ करिए। उस व्यक्ति के माँ बाप क्या सोचते हैं, बचपन में माँ बाप यही सोचते हैं कि भाई लड़का है, उसको आप अलग अलग चीज सिखाइए, क्रिकेट सिखाइए, उसको ड्राइविंग सॉरी स्केटिंग सिखाइए, उसको कराटे सिखाइए। लेकिन अगर कहे कि भाई भगवान की जिस थोड़ा इस्कॉन से जुड़े, नहीं नहीं वो बाद में वाली इस्कॉन की बात की जरूरत नहीं है, ये गलत धारणा है, इसको फिक्स करना आवश्यक है। आपके पास लड़का हो कि लड़की हो, उसको भगवान से जुड़ना बहुत आवश्यक है। अभी देखिए इसके माँ बाप तो दिल्ली में बैठे हैं, वो सोच रहे हैं लड़का कितना होनहार है, हमारा लड़का, सबको कहते होंगे लड़का हमारा पुणे में पढ़ रहा है, अच्छा ही पढ़ाई कर रहा है, और ये यहाँ पे मर रहा है। वो कह रहे प्रभु हम पढ़ ही नहीं पा रहे, पूरा रात यही चीज कर रहे हैं, और एक बात डर भी लगा हो, लेकिन हम कुछ हेल्पलेस है, क्या कर सकते हैं। गलती किसकी है, माँ बाप की भी है। जब वो छोटा था बचपन से भगवान, बचपन को अपने बच्चे को भगवान से जुड़ना चाहिए। कभी धारणा ये नहीं लेना चाहिए कि भाई अगर भगवान से जोड़ दिए हमारे बच्चे भौतिक जीवन में कुछ कम हो जाए, कभी नहीं होगा। लेकिन बोलते भी ऐसे है ना, देखिए आप जैसे साधारण बच्चों को क्या बोलते हैं, अभी 10th क्लास का लड़का है, 12th क्लास का लड़का है, क्या कहते हैं, भैया बेटा पढ़ाई अच्छा कर लो, मार्क्स अच्छा लेके आओ, उसके बाद अगर नौकरी हो गई थी अच्छा नौकरी करना, हाँ प्रमोशन लेके आना, आगे बढ़ाना, तुम प्रोजेक्ट मैनेजर बनना, अमेरिका जाना है, तुम्हारे घर लेना, तुमको अच्छी शादी कर लो, घर बसा ले तो पुणे में, और कुछ समय है तो लास्ट में फिर बेटा 2-3 मिनट जो है अगरबत्ती घुमा लेना सुबह स्नान करने के बाद, क्योंकि अच्छा बिजनेस है भक्ति करने से, 2-3 मिनट थोड़ा भक्ति करते हो तो फायदे बहुत होते हैं। बस हनुमान जी को हनुमान चालीसा से 2-3 मिनट पढ़ लेना और अगरबत्ती घुमा देना, और बहुत हो गए तो शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर चला जाना और वहां पे गा के आना, भाई सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। बस बाकी समय जो है बस तुम करियर में लगे रहो, जावे पढ़ो, ये करो वो करो। सबको बोलते हैं हमारा लड़का बहुत काम करता है, अभी प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया, उसका 18 इतना छाती खोल के बोलते हैं, उसका 18 लाख का सैलरी है, अभी अमेरिका जाके आए हैं। कभी ये नहीं उसको कहे कि भाई बेटा भगवान के बारे में कुछ सोचो, अभी तुम्हारी भी आपत्ति आएगी, अभी आ गई ना, 2-2 लाख कमाने वाले आज आईटी इंजीनियर भी पूछ रहे हैं फोन करके, सर कुछ बोलिए ना, इतना तनाव है, इतना मानसिक तनाव है, टेंशन सा है, डर लग रहा है। अभी क्या करें बताइए, इससे पहले समय जब हम बुला रहे थे पूरा साल हो गया, नहीं हमारे पास समय नहीं, हमें ये करना वो करना, अभी सबको भगवान याद आ रहे हैं। अब जितना भी प्रोग्राम प्रचार सबसे ज्यादा इस्कॉन के कोरोना के समय में ही चल रहा है, क्योंकि लोग रेडी हैं। आप कुछ भी पैम्पलेट छिपा दीजिए भगवान के, डिस्कवर योरसेल्फ, वन टाइम प्रोग्राम, माइंड कंट्रोल, कुछ भी, लोग आ ही रहे हैं। हम यहाँ पे पुणे में संडे आज के 2-2 डिवाइस बैच चल रहे, एक एक बैच में 15-20 लोग है, 15-20 लोग डिवाइस बैच खड़ा करना नानी याद आती थी पुणे में, लेकिन अभी ऐसे ही इंटरनेट पे पैम्पलेट भेज रहे लोग आ रहे हैं, बताइए कहाँ पे, और ध्यान से सुन भी रहे। तो यही चीज पहले करना चाहिए ना, भगवान को पहले से जुड़ सकते हैं ना। लेकिन अभी कभी ऐसे इतिहास में कोई भी प्रूफ नहीं है कि अगर हमारे बच्चे को, हमारे संतान को भगवान से जुड़ेंगे तो वो जो है उसको लॉस हो गया। हाय भगवान, इस लड़के ने भगवान से जोड़ दिया और एक बहुत बड़ा लॉस हो गया। मुझे पता है एक भी ऐसे केस भी नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में स्ट्रांग रहेगा तो भौतिक जीवन अपने आप फॉलो होता है। प्रभुपाद कहते हैं भागवत, मेटेरियल प्रॉस्पेरिटी विल फॉलो स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ऑटोमेटिकली चलेगा। भौतिक जीवन तुम्हारा स्ट्रांग है तो आध्यात्मिक जीवन स्ट्रांग है, भौतिक जीवन उसको पीछे पीछे आएगा, शैडो की जैसे अपने आप आएगा। एक सबसे बड़ा योद्धा थे, अपने जीवन के कठिन में कठिन समस्या में भगवान को सरेंडर हो गए और जीत पाए, उनका नाम है अर्जुन।
पांच साल का लड़का भगवान से जुड़ने की जुड़ गए और इतना बड़ा राज मिला, ध्रुव लोग, वैकुंठ से भी बड़ा लोग, इसी लोग में उनसे एक बड़ा प्लैनेट मिल गया जो आध्यात्मिक प्लैनेट है। ध्रुव लोग जो मेटेरियल नहीं है, मेटेरियल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल प्लैनेट ध्रुव लोग। प्रहलाद महाराज, प्रभुपाद बचपन से जुड़े हुए थे, इनके पिताजी ने ये प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे पीछे पिताजी कभी ये नहीं चाहते थे कि हम मैजिस्ट्रेट। प्रभुपाद कहते हैं एक टाइम कि एक बात चल रही थी कि हमें लंदन भेजा जाए कि हम मैजिस्ट्री करें, लेकिन प्रभुपाद कहे लेकिन हमारे पिताजी ये नहीं चाहते थे, हमारे पिताजी यही चाहते थे हम यही करें। क्या यही करें? हम कीर्तन करें, हम मृदंग बजाएं, हम राधा कृष्ण का भजन करें, पूजा करें, यही कर। बार बार प्रभुपाद जी कृष्ण बुक जो है, प्रभुपाद ने किनको डेडिकेट किया? प्रभुपाद जी कृष्ण बुक लिखते हैं टू माय फादर गौर मोहन डे। बचपन से उन पिताजी ने बस प्रभुपाद जी क्या दिए, कृष्ण दिए। और देखिए आगे चल के वो कृष्ण जब दिए बचपन में, वो प्रभुपाद जी ने कितने करोड़ लोगों को कृष्ण देते। और कौन सा लॉस क्या हो गया मुझे बताइए? कुछ भी लॉस कहीं हुआ कि ऐसे लॉस हो गया कि प्रभुपाद जी भूखे रह गए कि नहीं? थोड़ा धन के अभाव था, लेकिन कोई बात नहीं। इसी तरह ये जो डर रहता है कि हमारे बच्चों को भगवान से जोड़ने से वो लॉस में हो जाएंगे, नहीं यार थोड़ा तो इतना मत करो, बाद में करते, नहीं कभी नहीं होना चाहिए, इसे सुनना चाहिए किसी का। किन लोगों से? 12 लोगों को सुनना चाहिए, किसी को सुनना भाई कौन, किन को सुन? 12 महाजन को सुन रही, 12 महाजन। प्रहलाद महाराज उसमें से एक है। वो कहते हैं कौमारम आचरित प्रज्ञ, वो कहते हैं भैया तुम पिता हो माता हो, बचपन से 5 साल की उम्र से अपने बच्चे को भगवान से जोड़ लीजिए, मेरा एडवाइस है, इनको फॉलो करना चाहिए। महाजन ये पंथा, महाजन लोग जो कहते हैं वो फॉलो करते हैं, सक्सेस निश्चित है। प्रहलाद महाराज महाजनों को कह रहे हैं बच्चा है आपके पास, हाँ भाई कितना उम्र है? 5 साल का, ठीक है आप इसे भगवान से जोड़िए। प्रहलाद महाराज को सुनेंगे निश्चित, लेकिन हम सोचेंगे नहीं अभी से कैसे जुड़ेंगे, अभी तो 5 साल का है, अभी तो हम राइम सिखाएंगे, बाबा ब्लैक स्टिक सिखाएंगे, उसके बाद स्कूल में डालेंगे, वो अभी बाद में अभी क्रिकेट को, उसको क्रिकेट बहुत शौक है, क्रिकेट में सिखाएंगे, अभी बॉलीवुड डांस सीख रहे हैं, उसको टीवी शो पे जाना है, डांस मास्टर बनना है, डांस सिखाएंगे। करते 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 रह गए, वो अपने पिताजी से कभी जुड़ नहीं पाता है और आपत्ति आती है, कॉलेज में ऐसी जगह फंस जाएगा, लड़कियों को ऐसा छेड़खानी करता है, बाद में जब पुलिस बुलाता है उनके माँ बाप को, पुलिस स्टेशन में यहाँ पे देखा हो, उस लड़के की माँ आती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा लड़का जो है एक लड़की को इतनी तरह से परेशान कर रहा है फेसबुक पे, मेरा लड़का कभी मेरी तरफ से वो आंख ऊपर करके भी नहीं बात करता था, वो किसी लड़के की तरफ देखता भी नहीं था। लेकिन वही लड़का फिर क्या होगा, पूना में आके संग ऐसा हो गया, 2 साल के अंदर वो असुर बन गया। जब असुर बन रहा था उसको प्रोटेक्शन, उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? भगवान कर सकते थे, लेकिन भगवान से तुमने जुड़ा ही नहीं उसको बचपन से, हमें से ये कि नहीं पढ़ाई अच्छी करो, मार्क्स अच्छे लाओ, स्पोर्ट्स में भाग लो, ये करो वो करो, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि भैया भगवान से जुड़ना भी आवश्यक है, इसको क्यों हम कम प्रायोरिटी देते हैं। इसी तरह हमारे बच्चों की भेड़िया जैसे नहीं बनाना चाहिए कि पूरा दुनिया जिस तरफ जा, नहीं, हमारा सक्सेस इज अ पेरेंट लाइज इन कनेक्टिंग अवर चिल्ड्रन विद गॉड। और वो भी समय लगता है अपने भगवान को बच्चे को जोड़ने के लिए, अपने बच्चों को भगवान से जोड़ने के समय लगता है। जैसे क्रिकेटर बनाना चाहते हो 2 घंटे संडे के दिन उसको स्कूटर पर बिठा के क्रिकेट कैंप में लेके जाते हैं, उसको ज्वाइन करवा देते हैं, इसी तरह अपने बच्चों को भी भगवान से जुड़ाने के समय निकालना पड़ता है, उसके साथ बैठ के कृष्ण रूप पढ़ना चाहिए। ये नहीं करे यार बहुत कठिन वाली बात है, किसी माता जी को, तो माता जी आप बच्चों क्लास में नहीं, वो आप सबसे ज्यादा आपसे सीखेगा, आपको बैठ के अपने बच्चों को समय देना चाहिए। ये मत सोचिए कि आप 10 साल का लड़का है और उसको हनुमान जी के मंदिर लेके जाओगे और वहां उसके हाथ में 1 रुपए का सिक्का दोगे और कहोगे बेटा कुंडी में डाल दो, अगर डाल दिया आप सोचिए मेरा हमारा बच्चा धार्मिक बन गया, कैसे धार्मिक बनेगा, ऐसे नहीं होता। जोड़ने के बाद भी उसको ये करना चाहिए, 90% बच्चे के पास मार्क्स आते किए थे, बस 90 आए बेटा, क्यों इतने कम क्यों आ गए, 95 क्यों नहीं आए, वो आप स्टैंडर्ड हमेशा हाई रखते हैं,
और आध्यात्मिक स्टैंड में ये नहीं पूछते हैं कि बेटा आज छह माला क्यों हुआ, आज आप जप क्यों नहीं कर पाए, आज उसमें कोई बात नहीं, जप अगर नहीं हुआ ना कोई बात नहीं, कल कर लेना। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो हमेशा हाई स्टैंडर्ड। तो इस तरह सुंदर सा श्लोक है, हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए कि हमारे बच्चों को हम भगवान से जोड़ेंगे, उनके जो उनके वो कह रहे हैं भगवत गीता में, भाई आपका लड़के का नाम क्या है, सुरेंद्र शर्मा, पिता का नाम भगवान कह रहे, पिता का नाम है मेरा नाम लिख दो कृष्ण, माता का नाम कृष्ण, बहन बहन का नाम कृष्ण, सब भगवान मैं ही हूं। जब वो कह रहे हैं भगवत गीता में तो उनसे जुड़ के हम मुक्त क्यों नहीं हो जाते, फिर हम क्यों इतना टेंशन लेके घूमे कि भाई हमारा बच्चा है इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसको पढ़ाई में ठीक से कहेगा नहीं, ये कुछ कर पाएगा कि नहीं जीवन में, नहीं तो रह जाएगा भटक जाएगा, इसकी शादी होगी कि नहीं, ये कैसे निकलेगा, गुंडा निकले, क्यों इतना टेंशन हम लेके घूमे, क्यों ना उनको जो पिताजी उनको उनसे जोड़ लेके भाई आपका बेटा आप देख लीजिए, हमें जो टेम्पररी करना है हम टेम्पररी माँ बाप है, हमें हमसे जो करवाना करवा लीजिए, हम मुक्त हो गए ना, मुक्त हो गए नहीं मतलब ये नहीं करो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई एम सेइंग व्हाई नॉट कनेक्टिंग टू द रियल फादर। हिरण्यकशिपु जैसा नहीं बनना चाहिए ना, बच्चे के ऊपर विष्णु से जो विष्णु से वारा कर रहे हैं, नहीं कैसे रहना चाहिए, सुनीति जैसा बनना चाहिए। ध्रुव आके जब रो रहा था उसकी माँ ने कहा कि देखो मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है ध्रुव ये एक व्यक्ति सॉल्व कर सकता है, वो है विष्णु। अच्छा माँ कहाँ मिलेंगे विष्णु, मैंने सुना है कि जिसको भी भगवान जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है वो जंगल में जब करते हैं, जाओ तुमको जंगल में मिले, बस हो गई बात। सुनीति ने ये नहीं कहा कि नहीं तुम भी जाके उसको डांटो, सुरुचि को हम देख लेते हैं उसको गाली देंगे तुम्हारे पिताजी से आर्गुमेंट को, नहीं उन्होंने बचपन से अपने बच्चे को कहा कि आप विष्णु से जोड़िए, हो गई बात, कितनी बड़ी सिखावट। और उस मात्र उस एक्ट के लिए उसने सुनीति ने अपने बच्चे को भगवान से जुड़ा है, उस काम के लिए भगवत धाम चली गई। जब ध्रुव महाराज जा रहे थे उसको, जब ध्रुव महाराज उस प्लेन पे चढ़े हुए थे पूरा शरीर आध्यात्मिक शरीर हो गया सच्चिदानंद शरीर, और झिझकने लगे कि विष्णु से पूछे कि जो आए हैं कि वो सोच रहे थे कि हम कुछ पूछना चाहते, पूछे क्या ध्रुव क्या सोच रहे हैं हम, ये ध्रुव ने कहा कि हमको हमारी माँ की याद आती है, उन्होंने तो हमें एडवाइस दिया कि जंगल चले जाना, अब उस माँ को छोड़ के हम कैसे जाए। देखो भगवान से जुड़ने से वो माँ बाप को भी नहीं भूलता है। इधर आप लड़के को बोलिए कितना भी बोल दीजिए लड़के को, अगर अमेरिका में उसको बोलिए बेटा कभी तो फोन कर दो, कभी तो फोन करो, मैंने भी फोन कर, हाँ माँ करता हूँ, हाँ माँ करो, कभी नहीं करेगा, भूल गया, खत्म होगी बात। तो यहाँ पर ध्रुव जाते जाते कहता है कि हमारी माँ का क्या होगा बेचारी, हम उन्होंने तो हमको रास्ता दिखाया था, हमारी माँ का भी चलना थे। विष्णु समझ गए ऐसी बात नहीं ध्रुव, वहां पे देखो वो तुम्हारे माँ का अपनी बेटी है, देखिए मात्र अपने बच्चे को संतान को भगवान को जुड़ने से। ऐसे भगवत में कहीं वर्णन ये नहीं आया कि सुनीति जो थी वो बहुत शुद्ध भक्त थी, लेकिन भगवान अपने बेटे को संतान को लगाया भक्ति में, अपने आप कल्याण हो गया। इसी तरह हमको भी अगर संतान नहीं भी है, हम भगवान को हमारे माँ बाप से जुड़ना चाहिए, घर में जितने जो है माँ बाप है उनके सुननी चाहिए, डेफिनेटली वी शुड नॉट गो अगेंस्ट देम, वी कैन नॉट बाईपास है, जो माँ बाप को सुनना चाहिए। एट द सेम टाइम कभी नहीं भूलना चाहिए कि कोई और भी कह रहे हैं, लेकिन अगर हमारे हमारे घर में माँ बाप है, कल उठ के कोई दो एक व्यक्ति आता है दरवाजे पे खटखटाता है और कहता है कि मैं इस व्यक्ति का बाप हूँ, तो बोले अरे ये तो मेरा बाप है, आप भी बोले बाप है कौन, लेकिन वो कैसे नहीं मैं भी तुम्हारा पिताजी, उस तरह मैं तुम्हारे पिताजी हूँ, मेरा भी तुम्हारा संबंध है, संबंध निकालेगा क्या करेगा, उसको निकाल तो नहीं दोगे ना, नहीं हमारा भी संबंध तुम्हारे साथ है, इस तरह से संबंध है। वो भगवान ने ऑलरेडी लिख दिया हमारे बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर, भैया कृष्णकांत शर्मा, भगवान बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखो फादर गोविंद शर्मा, भगवान के दूसरा फादर के नाम भी लिखना है, भैया फादर वन गोविंद शर्मा, फादर टू कृष्ण, भगवान के लिख दीजिए हमारा नाम, मदर का नाम चारू शर्मा, भगवान के उसके नीचे नाम मदर टू कृष्णा, हमारा नाम भी लिख दीजिए। कब तक उन्होंने गीता में कह दिया, ये श्लोक में तो ये तो करे 9.17 में, कितना सुंदर श्लोक, पिता हम से जगत हो, हे अर्जुन इस जगत का मैं पिता हूं, माता भी हूं, दाता पिता हूं। तो यहां विराम देते हैं, फादर्स डे के उपलक्ष्य पर
कैसे हमने देखा कि हाउ कृष्ण इज अल्टीमेट फादर एंड वी शुड कनेक्ट विद द फादर, हमारे रियल फादर जो है, जब तक इनसे नहीं कनेक्ट करेंगे इट इज डिफिकल्ट, तो जब कनेक्ट करेंगे क्या एक क्या पिताजी नहीं करता, मुझे बताइए गीता में कितने कितने श्लोक हैं, पिता क्या करते हैं, सबसे पहले घर देते हैं, सब 15 अध्याय भगवान कहते हैं अरे मैं कैसे घर दे रहा हूँ, उसके बाद पिताजी क्या करते हैं, खाना देते हैं, उसके भगवान कहते हैं मैं खाना दे रहा हूँ, उसके बाद पिताजी क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, वो भी भगवान कहते हैं मैं देता हूँ वेद के रूप में, उसके बाद क्या भगवान कहते हैं प्रोटेक्शन देते हैं, मचित्ता सर्व दुर्गण भगवान मैं एक माता पिता जो करेगा हमेशा, और जो नहीं करते वो भी भगवान करते हैं, तो क्यों नहीं उससे जुड़ना चाहिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, विल स्टॉप प्रभु, थैंक यू सो मच। किसी को सवाल है, 5:56 वी हैव 4 मोर मिनट्स, 4 मिनट और है, किसी को सवाल है, कुछ कमेंट पास करना है, कुछ डिस्कस करना है, हम कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी ब्रो, थैंक यू प्रभु जी फॉर इंस्पायरिंग क्लास फादर्स डे। प्रभु जी, मेरा जो लास्ट क्वेश्चन था पिछली बार का, पिछले जो आपने क्लास दिया था डेथ पे, तो हाँ ब्रो जी, क्वेश्चन ये था कि जैसे हम मृत्यु हमारा फिक्स है और डेथ फिक्स है, तो ये बीच में जो अकाल मृत्यु का जो शब्द आता है कि इसकी मृत्यु अकाल हो गई, तो ऑलरेडी फिक्स है डेथ और बर्थ, तो ये अकाल मृत्यु को हम कैसे समझें। अच्छा, सुंदर सवाल है प्रभु। जैसे अकाल मृत्यु जैसे कुछ भी नहीं होता है प्रभु, हमको लगता है कि अकाल है। मान लो कि अभी जैसे एक 22 साल का लड़का है, शादी हो गई है और शादी के 2 दिन के बाद देहांत हो गया, हम कहते हैं ये तो अकाल मृत्यु है। नहीं, उसका अनिश्चित हो चुका था, उसी टाइम पे वो चला जाएगा, लेकिन देखने की दृष्टि हमको लगेगा ये अकाल मृत्यु है। अकाल मृत्यु कुछ भी नहीं, ये सृष्टि इतने परफेक्टली चलती है, इसमें अकाल कुछ भी नहीं होता है प्रभु। जैसे आप मान लो कि आप क्रिकेट मैच देख रहे हो टीवी पे, आपको लगे इतना अच्छा मैच चल रहा है, इतना रोमांचक मैच चल रहा है, बीच में एडवर्टाइजमेंट क्यों आ रहे हैं अचानक, अकाल मृत्यु अचानक अकाल से ये एडवर्टाइजमेंट क्यों आ रहे हैं, डिस्टर्बेंस है, वो अकाल नहीं आ रहे, वो टाइम्ड है एग्जैक्ट, उसको पता कि इस टाइम पे ये एडवर्टाइजमेंट डाला जाएगा। उसी तरह से वो मौत भी निश्चित है प्रभु। अकाल मृत्यु एक टाइप का अकाल मृत्यु है, अगर मैं खुदकुशी कर लूंगा, आदमी की जो खुदकुशी जो सुइसाइड जो है ना प्रभु, वो डेस्टिनी में नहीं लिखा है, किसी के नसीब में ये नहीं लिखा है कि ये व्यक्ति सुसाइड करेगा, वो उसके कर्म नहीं लिखा है, तो अपने आप जो सुसाइड करता है तो उसको जो डेस्टिनी है, उसको जीना है 60 साल, उसने अब डेस्टिनी में लिखा है कि भाई 60 साल तक जिएगा, लेकिन उसने कट कर लिया उसने, तो फिर भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुमने अगर कट कर दिया उस समय में, तुमने वो जो है अकाल मृत्यु, उसने टर्मिनेट कर दिया अपना लाइसेंस, तो भगवान कहते हैं ठीक है मैं तुमको उस तरह से मैं डील करूंगा उसको, भगवान ठीक कोई बात नहीं, 40-50 साल जो है तुमको एक शरीर के बिना, अगर 60 साल जीना है उसको, 20 साल की उम्र, अभी देखिए जो राजपूत करके जो एक्टर थे, पता है उनको उम्र क्या, मान लो कि 25 साल की उम्र है, लेकिन उनको नसीब में लिखा 50 साल तक जीना है, 50 साल तक जीना है, 25 साल की उम्र में आपने शरीर खत्म कर दिए, 25 साल और भी आपको पेंडिंग था, तो भगवान कहते कोई बात नहीं, अगला 25 साल तुमको शरीर के बिना हम रहने देंगे, कोई भौतिक शरीर तुमको नहीं मिलेगा, बस आध्यात्मिक शरीर है, तुमको कोई शरीर नहीं है, भौतिक शरीर, तो इस तरह से भटकते रहो, मतलब भूत योनि में उसको डाल देते हैं, बाकी अकाल मृत्यु जैसे कुछ भी नहीं है। Does it help प्रभु, शिवशंकर प्रभु? Yes ma'am. ठीक ठीक. Thank you. प्रतीक प्रभु has written something. Yes प्रभु. ठीक. Yeah, प्रभु, प्रतीक प्रभु का सवाल ये है कि बच्चों को हम प्रैक्टिकली कैसे कृष्ण से जोड़ सकते हैं, बहुत सुंदर सवाल है। एक बात याद रखनी चाहिए कि बच्चे जो है, बच्चे के बाय डिफॉल्ट उसके उसके सबसे बड़े हीरो और हीरोइन उसकी जिंदगी में दो ही लोग हैं,
उसके पिता जो है उसके हीरो है, उसके हीरोइन भी उसकी माँ ही है। मतलब एक बच्चे के लिए वो सबसे बड़ा, अगर वो प्रभावित है वो अपने पिता से प्रभावित है, और सबसे ज्यादा प्रभावित है वो उसकी माँ से प्रभावित है। तो अगर हम भक्त बनेंगे अपने आप बच्चा भक्त बनेगा। वो देख रहा है कि मेरे पिता, वो देख कुछ करने के, वो देखते नहीं, मेरे पिताजी जब मैं छोटा था मेरे पिताजी हमेशा रोज 4 बजे उठते थे और हमेशा 4 बजे उठ के बैठ के जप करते थे। वो अपने आप देख लिया उस लड़के ने, उसको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। और जैसे 6 बजते हैं मेरे पिताजी जप माला रख देते हैं और उठ के फिर आरती करते हैं आधे घंटे के लिए, अपने आप लड़का आके आरती कर देगा। और वो भी देखा कि मेरी माँ जब भी खाना बनाती है, कुछ भी करती है, भोग लगाती है, मुझे देती है, बेटा भोग लगा के आ जाओ। और मेरे माँ और पिता साथ में बैठ के हमेशा प्रोग्राम अटेंड करते हैं, मंदिर जाते हैं, एकादशी के दिन हमारे घर पे त्योहार होता है। सो द बिगेस्ट, सबसे बड़ा योगदान ये, अगर हम भक्ति अच्छी तरह से करेंगे नंबर वन, तो अपने आप खींच लेता है। वो इतना देख रहा है ना, ये अंदर जा रहा है, अपने आप वहीं से सीख लेगा। वो एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं, वो आप आरती करते रहिए, आपके पास आके खड़ा रहेगा, पिताजी हमें भी करना है, बस उसको अगरबत्ती दीजिए, लैंप दीजिए, अपने आप सीख लेगा। सेकेंडली, प्रोएक्टिवली भी क्या करना चाहिए, जो भी माँ और पिताजी हैं उस बच्चे के लिए स्पेसिफिकली हमारे कैलेंडर में समय सेट करना चाहिए कि भाई हर रोज हमारे बच्चे के साथ आधे घंटे बैठ के कृष्ण बुक पढ़ेंगे। उसको चेंज नहीं करना चाहिए, कृष्ण बुक करना चाहिए, ठीक है। हम सोमवार के दिन कृष्ण बुक पढ़ेंगे, रात को सिर्फ 15 मिनट, मंगलवार के दिन रामायण पढ़ेंगे, बुधवार के दिन महाभारत पढ़ेंगे, गुरुवार के दिन उसके साथ बैठ के हम करताल बजाएंगे, गुरुवार के दिन उसके साथ भागवत पढ़ेंगे, शुक्रवार के दिन उसके साथ बैठ के हम साथ में आरती करेंगे। इस तरह से 15-20 मिनट जो भी है, उस लड़के को, उसको पिताजी, माँ और पिताजी से क्वालिटी टाइम चाहिए। होता क्या, मैंने देखा कि ड्यूटी देने जाते हैं बच्चों को, लेकिन वो सोचते हैं कि हमारे पास ना तो समय है ना तो काबिलियत है, दोनों की समय की ऐसे नहीं कि समय नहीं है किसी के पास, समय जरूर है, प्रभु प्लानिंग होना चाहिए, कैलेंडर में लिख दीजिए कि भाई हमारा 15 मिनट समय बच्चे के साथ होगा। और काबिलियत की कोई जरूरत नहीं है कि हमको पता नहीं कि क्या सिखाएंगे, कोई जरूरत नहीं। आप कृष्णा बुक शुरू कर दीजिए पढ़ना, रामायण पढ़ना शुरू कर दीजिए, महाभारत पढ़ना शुरू कर दीजिए, और दूसरे कुछ क्लास वगैरह चलता है उसमें ज्वाइन करो। लेकिन क्लास तीसरा ऑप्शन है। काफी टाइम माँ बाप सोचते हैं कि भाई क्लास में ज्वाइन करवा दिए कृष्णा किंगडम में बस होगा, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, आपको खून बहाना पड़ेगा। अगर एक बच्चे को आप क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, कितना दूर कैंप पे लेके जाओगे उसको, 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने, 3 घंटे घुमाने के बाद, इतना जब मेहनत लेते हैं एक लड़के को क्रिकेट सिखाने के लिए, भक्ति को इतना आसानी से नहीं होगा। सेम थिंग, वी हैव टू टेक द एफर्ट, एंड ये हमारी सबसे बड़ी जवाबदारी है। भगवान कहते हैं गृहस्थ आश्रम होना, बच्चे लाइबिलिटी है उनको सब भगवान कहते नहीं, और तुम्हारा ड्यूटी से तुम अगर स्वधर्म से जो है छूट जाओगे, अगर बच्चे को तुमने समय नहीं दिया वो पाप है, उसकी कोई गलती नहीं है। सो वी हैव टू गिव दैट टाइम। सर पूना में एक हमारा अभी आने वाले रविवार को अच्छा प्रोग्राम शुरू करते हैं, भागवतम बच्चों के लिए, स्टडिंग भागवतम, बहुत सुंदर सा प्रोग्राम है। इसका हमारा अंडरस्टैंडिंग कि अगर हमारे बच्चे सिर्फ भागवतम पढ़ेंगे बाकी कुछ नहीं करना है, वो अद्भुत व्यक्ति बनेंगे अपने जीवन में, अद्भुत व्यक्ति हर एक क्षेत्र में बनेंगे। भागवत में सब कुछ ऐसे कुछ भी नहीं कि भागवत में नहीं है। विद दैट कन्विक्शन वी आर स्टार्टिंग प्रभु, उसका जो भी प्रोग्राम डिटेल है हम भेजेंगे। आप इसी तरह कोई माता जी है जो आपके कांग्रेगेशन में, वो आप वहां पे भी छापा में भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है प्रदीप प्रभु। डज इट आंसर योर क्वेश्चन लिटिल बिट प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु जी मेरे एक दोस्त का पर्सनल प्रॉब्लम है, मतलब उसने क्वेश्चन पूछा, जैसे आज आपने फादर पे क्लास लिया, सो दे आर ट्राइंग टू बी फादर फॉर लॉन्ग टाइम, बिकम मदर एंड फादर, पेरेंट्स और अच्छे भी हैं वो, उनको जो भी बोला जाता है वो करते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू बिगेट चाइल्ड, देर इज नो प्रॉब्लम थ्रू मेडिकल और एनीथिंग। तो उनको कैसे हम इसमें बता पाए कि, मतलब वो काफी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो कैसे भक्ति से जुड़े और कैसे उनको, मतलब क्या बताएं उनको? या अगर विवाह हो गया है और संतान
उत्पन्न करने के प्रयास कर रहे हैं और 4-5 साल हो गए, 6 साल हो गए हैं, नहीं हो रहे संतान, तो भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप नरसिंह भगवान के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, मायापुर जा सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, हमें संतान चाहिए। संतान चाहना कोई गलत नहीं है, दशरथ महाराज भी किए थे, जितने भी राजा थे सभी संतान चाहते थे, तो डिजायरिंग ए चाइल्ड इज नॉट बैड, लेकिन प्रे टू लॉर्ड नरसिम्हा, डू सम स्पेशल प्रेयर्स। दूसरी बात भी ये प्रभु, आज भी इवन जो IVF करके जो प्रोसेस है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो आर्टिफिशियल तरीके से भी प्रेगनेंसी का जो प्रोसेस है, दैट इज नॉट समथिंग आइडियल, नहीं करना चाहिए, स्वाभाविक रीत से होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि यस, वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो मे बी दे कैन एक्सप्लोर द IVF प्रोसेस ऑल्सो, इट इज नॉट द आइडियल थिंग, लेकिन मे बी दे कैन ट्राई चाइल्ड थ्रू दैट। सरोगेसी करके जो है दूसरी माँ के गर्भ में अपने ये रखना, दैट इज सर्टेनली नॉट अलाउड, बट IVF इज सर्टेन दे कैन ट्राई, एंड इट इज डिफिकल्ट, बट वन कैन ऑलवेज थिंक की वाई नॉट अडॉप्ट समबडी। इतने सारे लावारिस बच्चे होते हैं, किसी को अडॉप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेंटली डिफिकल्ट जाता है, सो दे कैन थिंक इसमें से कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि समय चला जा रहा है, एक समय से पहले वो जो भी डिसीजन लेना हमको करना है, अडॉप्ट करना है, IVF करना है कि नहीं करना है, समय देख के मेक ए डिसीजन एंड ट्राई, बिकॉज इसको हमेशा हम सदा के लिए कंटिन्यू रखेंगे, अगला 5 साल तक कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो ऑनगोइंग कंटिन्यू इश्यू रहेगा प्रभु। सो व्हाट दे कैन डू इज थिंक किसी काउंसलर के साथ इनका आप जुड़ा सकते हैं, थोड़ा गाइडेंस दे सकते हैं कि भाई इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, पर्सनल गाइडेंस आप इनको दिला सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे विराम देंगे, किसी का और किसी के कुछ सवाल। ओके, यहाँ पे विराम देंगे, विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय।